हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज का सेशन है नंबर सिस्टम पार्ट फोर। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट? रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए ले चलते हैं आज रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है, दुनिया में कि कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस में रिमाइंडर्स इजिली कैलकुलेट करते हैं। तो ये लेक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक आप देखिएगा, जिससे सारी बातें आपको इजीली समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है भाई? 23 × 29 × 31 / 7। एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ होती हैं। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, 7 से आप डिवाइड करिए 23 को, तो रिमाइंडर क्यों लिखिएगा, ठीक है? तो रिमाइंडर थ्योरम का फंडा क्या है कि 23 × 29 × 31 करने की ज़रूरत नहीं है। इसको करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। तो 7 से 23 को डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए। इसके लिए रिमाइंडर क्या आएगा, इसके लिए रिमाइंडर क्या आएगा भाई? हाँ जी, बताइए जल्दी से फटाफट। 7 × 3 = 21, रिमाइंडर इज 2। बहुत अच्छे। 7 × 8 = 7 × 4 = 28, रिमाइंडर इज 1। बहुत बढ़िया। 7 × 4 = 28, रिमाइंडर इज 3। तो आगे के स्टेप में क्या है, इन रिमाइंडर्स को यूज करना है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन, प्लस का साइन है तो प्लस कर दीजिएगा। फिर से ये 7 से डिवाइड करिए। तो आपने डिवीजन एल्गो में ये पढ़ चुके थे कि हाँ, ये 7 से डिवाइड नहीं कर पाएगा, कर तो पाएगा बट 0 टाइम्स 0 मीन्स नथिंग। तो पक्का ये बात क्लियर हो गई कि रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर है 6। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि रिमाइंडर्स हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही सीधा सादा क्वेश्चन अभी सामने है आपका, ठीक है? तो चलिए एक क्वेश्चन और है, और उम्मीद करते हैं इसका जवाब पूरी क्लास से आएगा, और जल्दी ही आएगा, कम से कम टाइम लगाकर आप बताएंगे। तो चलिए नोट करिए, क्वेश्चन क्या कहता है, लिखिए। 37 × 58 × 63 / 9, डिवाइडेड बाई 9 की जगह आप रखिए 8। चलिए स्टार्ट कर दीजिए फटाफट, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, व्हाट इज द रिमाइंडर, चलिए जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, शुरू कर दीजिए। ओके, 8 से डिवाइड किया, बहुत बढ़िया। क्या आया रिमाइंडर भाई, बताइए। 8 × 4 = 32, 32 × 5 = 37। बहुत अच्छे। 8 से बताइए, 8 × 48, 8 × 7 = 56। कितना आया रिमाइंडर, 2। बहुत बढ़िया। इसमें बताइए, 8 × 8 = 64, नहीं, 8 × 7 = 56। 56 में कितना जोड़े भाई, 7 जोड़े। फिर से वही स्टेप फॉलो करिए, 5 × 2 × 7 डिवाइडेड बाई 8। बहुत बढ़िया। आप बताइए, ये तो कोई भी बता सकता है। 5 × 2 = 10, 10 × 7 = 70, 70 को 8 से डिवाइड करिए, 8 × 8 = 64, रिमाइंडर इज 64। कितना आएगा रिमाइंडर भाई, 70 − 64, रिमाइंडर इज 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर इज 6। अरे समझ पा रहे हैं बात को, हाँ या ना में जवाब बताइए, पक्का? गुड। चलिए, तो ये बहुत इजी हो गया। आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस की धज्जियां हम उड़ा सकते हैं। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट अभी मैंने सिखाया, अब धीरे धीरे आपको अच्छे क्वेश्चन की तरफ लेके चलना हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 7 की पावर 120 / 8, व्हाट इज द रिमाइंडर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। 7 की पावर 120 बहुत बड़ा नंबर है। 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 कितनी बार, 120 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ है। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको 8 से आप डिवाइड करेंगे। लेकिन एक चीज आप बताइए, क्या ये आसान काम है? बिल्कुल आसान नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप इसको देखें, तो इसका दूसरा जो फॉर्म है, दूसरा जो रूप है क्वेश्चन का, वो क्या है, राइट? अगर हम बात करें तो 7 × 7 × 7 कब तक मल्टीप्लाइड होगा भाई, आपने कहा वे 120 टाइम्स तक मल्टीप्लाई। कितने टाइम्स, 122 टाइम्स। क्या ये आसान है आपके लिए, सोच के देखिए, क्या ये आसान है? बिल्कुल आसान नहीं। हाँ, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। इसको किससे डिवाइड करना है,
एट से, उसके बाद जवाब बताना है। तो उस पर ऊपर वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल यही है। तो एक चीज बताइए, सेवन को एट से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ जी बताइए, आप बताइए सामने वाले बच्चे। डिवाइड नहीं होगा, बहुत बढ़िया। तो फिर रिमाइंडर वही आएगा सेवन, बहुत अच्छे, नाइस जॉब। तो सेवन के लिए सेवन आएगा, इस सेवन के लिए सेवन आएगा, इस सेवन के लिए सेवन, तो बात तो कुछ बनी नहीं। तो रिमाइंडर क्या आया? सेवन 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 ही आया, लेकिन सेवन इंटू सेवन 49। तो फिर डिवाइड करोगे, फिर जो आएगा फिर से इंटू सेवन, तो ये काफी लेंदी प्रोसीजर बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो एक काम आप कर लीजिए, इसको एक दूसरे फॉर्म में चेंज करिए। सेवन से ये डिवाइड तो नहीं होगा, सेवन इसे डिवाइड, एट सेवन को डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ एक कम है, तो रिमाइंडर को आप यहाँ पे निगेटिव यूज करिए। वैसे रिमाइंडर निगेटिव होते नहीं, बट हम रिमाइंडर निगेटिव का जवाब नहीं बताएंगे। अगर रिमाइंडर निगेटिव आता है तो मैं भी बताता हूँ कि इसको कैसे पॉजिटिव करेंगे, राइट। अगर माइनस वन रिमाइंडर आने का क्या मतलब है? तो एट माइनस वन मतलब सेवन, माइनस टू रिमाइंडर अगर आता तो एट माइनस टू वन सिक्स की बात करता, माइनस थ्री रिमाइंडर आता तो एट माइनस थ्री फाइव की बात करता। तो ये बातें क्लियर हो रही हैं? पक्का चमका कि नहीं चमका? तो चलिए इसी तरह बताइए, माइनस वन आएगा कितनी बार? 120 टाइम्स। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, माइनस वन माइनस वन माइनस वन और मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड होती है, तो ये 120 बार ऐड होकर आ गया, पक्का। अच्छा माइनस वन की पावर माइनस वन की पावर 120 है ना, माइनस वन की पावर क्या है? 120 है। तो ये रिजल्ट प्लस वन आएगा कि माइनस वन आएगा भाई बताइए? हाँ जी क्या आएगा? प्लस वन आ जाएगा। और प्लस वन मतलब यही रिमाइंडर, क्योंकि एट से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर ऊपर न्यूमरेटर डिवीजन में ऐसी बात हो कि ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वही आंसर हो जाता है। तो रिमाइंडर वन ये क्या है? आंसर है। समझ में आई बात? चमका कि नहीं चमका? तो एक बड़ा सा क्वेश्चन जिसकी धज्जियां आपने उड़ा दी सेकेंडों में, आपने माइक्रो सेकेंडों में आपने जवाब बता दिया, ठीक है। तो आंसर माइक्रो सेकेंड में आ रहे हैं, आपको जानकर ये मजा आ रहा होगा, पक्का समझ पा रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए ऐसे आगे कहानी और बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए फटाफट जवाब बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 25 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 26, जल्दी बताइए रिमाइंडर क्या है? स्पीड में काफी लोगों ने जवाब बता दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ बाकी लोग जल्दी सोचे क्या इनके जवाब सही है, जवाब तो आ रहे हैं बट सही होने जरूरी है, फटाफट बताइए। नाइस जॉब, अच्छा 25 है। तो अब थोड़ा और शॉर्टकट की तरफ चलते, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं। 25 इंटू 25 ऐसे कितनी बार है भाई? पिछली बार क्वेश्चन की तरह ये 25 बार है। तो मैंने बोला ये 25 क्या है? माइनस वन है। ये भी क्या है? माइनस वन है। ऐसे ये माइनस वन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वन की पावर 25। अच्छा आपकी बार रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बताइए? नेगेटिव आएगा, क्यों? पावर ऑड है, बहुत बढ़िया। देखिए माइनस में अगर कोई भी चीज है, माइनस अगर कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर इवन हो जाए, इनको बहुत समस्या हो रही है, इन सब चीजों में परेशानी आ रही है, उनके लिए लिख दे रहा हूँ। तो आप पूरा सब कुछ नोट करते रहिए, मजाक में बिल्कुल चीजें मत लीजिए। माइनस की पावर इवन का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अगर माइनस एक्स है और पावर क्या है? ऑड है, तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये सब गार्ड बांध के आप रख लीजिए, क्योंकि यही सब काम आएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ से क्लियर हो गया कि माइनस वन, वो भी वन है, तो फिर वन की पावर कितना भी कर दें वन ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे माइनस वन, कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आता। तो फिर इस माइनस वन का कंफर्मेशन करिए, माइनस वन वही डिवाइजर से हटाइए इसको, तो कितना आ गया? 25। 25 इज द आंसर। चमका कि नहीं चमका? धज्जियां उड़ा दी ना क्वेश्चन की, पक्का, बहुत बढ़िया। चलें आगे, फिर कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? क्लियर हो रहा है सबको? अरे बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, क्लियर है ना भाई? चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोग रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन ये है, 18 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 17, जल्दी से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ बहुत बढ़िया, इन माइक्रो सेकेंड आंसर इज वन। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ध्यान रखिएगा, क्या है? अगर एक ज्यादा है तो उसको प्लस वन लिख लीजिए, मतलब इसको आप प्लस वन लिख लीजिए, और ये 18 बार है, तो वन अगर कितनी बार है उसका लॉजिक तो वन ही होगा,
ठीक है, तो ये आपका आंसर है क्योंकि वन इसे डिवाइड नहीं कर पा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है भाई? पक्का? चले आगे फिर। चले अगला क्वेश्चन, थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 की पावर 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, जल्दी जवाब बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ जी, स्टार्ट करिए, बहुत स्पीड में चलिए। पावर का एडजस्टमेंट अब आएगा, बहुत बढ़िया। पावर को एडजस्ट करिए, देखिए ध्यान से। टारगेट ये है कि जो नीचे का नंबर है ना, उससे ऊपर वाला नंबर या तो एक ज्यादा हो या एक कम हो, ये आपको ट्राई करना है। ट्राई टू मेक न्यूमरेटर लाइक प्लस वन और माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। ओके, तो 5 को यूज कैसे करेंगे? क्योंकि 5 और 12 में गैप काफी ज्यादा है, तो अगर गैप ज्यादा दिखने लगे तो पावर को आप ब्रेक करना शुरू करो। पावर 1 से तो बात बनी नहीं, पावर 2 पे आइए आप। 5 की पावर 2 25 होता है, होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अंदर अगर 2 आ गया तो बाहर क्या होगा? इस 50 को 2 से डिवाइड करिए, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25। ये बात समझ में आ रही सबको? 5 into 5 की पावर 2 है ना, तो 2 into 25, 50 अभी भी वो मेंटेन है। प्लस क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 12, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, मैंने अभी एक लॉजिक बताया, ऊपर का नंबर एक ज्यादा एक कम हो, जो ब्रैकेट में बड़ा नंबर है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि 25 है ना, दिस इज 24 प्लस 1, बहुत बढ़िया। अप्रोच इज व्हाट? 24 प्लस 1, इसको आप प्लस 1 बोलो, मतलब जो मल्टीपल हो वो उससे कितना ज्यादा या कम हो, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट टास्क है, राइट? अब बताओ 12 इसको डिवाइड कर लेगा, कर लेगा कि नहीं कर लेगा? हाँ या ना भाई, बोलो, कर लेगा। तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो प्लस 1 की पावर 25 प्लस 1 की पावर, देखो एक एक स्टेप में तोड़ के बता रहा हूँ, शॉर्टकट में चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट पहला काम है कि आपको मैं चीजें समझा पाऊँ। तो प्लस 1 की पावर 25 दिस इज 1, प्लस 1 दिस इज 2, 2 की पावर 12, तो रिमाइंडर क्या है भाई? हाँ जी बताइए, जल्दी बताइए, 2 बनाया कैसे? ए हे, गलत कर दिया ना भाई, देखो कुछ लोग इसको काट दे रहे हैं भाई, तो 6 से डिवाइड करने के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, बट ये की बात ही नहीं पूछी जा रही, तो कभी ऐसा मत कर देना, दिस इज रॉन्ग वे, राइट? तो ऐसी चीज बिल्कुल आप मत कर देना, ऐसी चीज नहीं करनी है, गलत हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? तो एक चीज देखो, यहाँ पे 12 से ये 2 को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हमने बता रखा है इंडिविजन सम एल्गोरिथम में कि ये छोटा है तो फिर वही रिमाइंडर है। तो आंसर बताइए जल्दी से, आंसर क्या लिखूं, क्या लिखूं? 2 लिखूं, बहुत बढ़िया। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका, इसका जवाब जल्दी से बताइए। लिखिए 6 की पावर 84 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 84 डिवाइडेड बाई 215, वॉट इज द रिमाइंडर? चलिए जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए करना, फटाफट, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, हमें आपसे जवाब तुरंत चाहिए। चुटकियों में जवाब आप बता दें तो बहुत मजेदार, मजे की बात है, राइट? चलिए शुरू कर दीजिए, फटाफट बताइए जवाब। देखो 6 की पावर 1 से बात बनी नहीं, 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 36, बात बनी नहीं, बहुत बढ़िया अप्रोच। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। कल ये काम बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 216 हमें ये बता रहा है कि मैं 215 से प्लस 1 हूं, मतलब एक ज्यादा हूं। और मैंने आपको इस कंसेप्ट की बात करता ही कि अगर बड़े बड़े नंबर्स की पावर आती हैं, बड़ी बड़ी पावर्स आती हैं, तो हमारा मेन टारगेट है कि उस नंबर को प्लस 1 या माइनस 1 में ब्रेक करें विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो आपने एक चीज देखी, अच्छा 3 बाहर अंदर ले लिया, तो कितनी पावर्स बाहर और लिखनी पड़ेंगी? 3 से इसको आप डिवाइड करिए, इस चीज को 3 से डिवाइड करिए, 3 2 6, बचा कितना? 2 2 2 24, 3 8 24। चलिए सारी बातें बन चुकी हैं, काम खत्म होने वाला है, इंतजार खत्म हुआ। तो यहाँ पे 216 है, अच्छा 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। इस 216 को मैं ऐसे अगर लिखूं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपने कहा जब जिस चीज से डिवाइड करें उसके अगर मल्टीपल या वही नंबर आ जाए तो रिमाइंडर प्लस प्लस 1 आएगा,
वन की पावर 28 से कोई चीज परेशानी वाली बात बनती नहीं। रिमाइंडर इज वन, रिमाइंडर इज वन। मजा आया? अरे बता दो यार, हाँ या ना, मजा आया भाई? बहुत अच्छे, नाइस जॉब। चले आगे, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए। फटाफट आंसर बताइए हमें, अब की बार टाइम नहीं लेना है आपके लिए, बिल्कुल टाइम नहीं देना है, राइट? तो जवाब बिल्कुल आ गया आपके लिए। चलिए बताइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 की पावर 84 डिवाइडेड बाई 2402। बहुत बढ़िया, फाइंड द रिमाइंडर। चलिए समय स्टार्ट हो गया, अब फटाफट करना शुरू कर दीजिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, चलिए शुरू करिए। चलिए, काफी लोग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कौन जवाब पहले बताता है। चलिए शुरू करिए, स्पीड में बताइए। हाँ जी, फटाफट, टाइम तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हाँ, 7 की पावर 4 पे बन रहा, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छे। 7 की पावर 4 पे इन्होंने कहा बन रहा है, क्योंकि 7 की पावर 4 इन्होंने पकड़ लिया। क्या होता भाई? 2401। चलिए बहुत अच्छा है। देखिए, अगर 4 अंदर है तो 4 दुनी 8 डिवाइड करिए, इस चीज को डिवाइड करना होता, राइट? 4 दुनी 8 4 वन 4, सही है, डिवाइडेड बाई 2402। पॉइंट भी क्लियर। चले आगे, चमका कि नहीं चमका? चलिए बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, इसको क्या लिख दूं? किसी ने कहा कि इसको -1 कर दो ऐसे, तो ये डाटा बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया अप्रोच, नाइस जॉब। 2402 ये इसका मल्टीपल है, तो ये रिमाइंडर हमने बताया 0 देता है, इससे कोई मतलब है नहीं, मल्टीपल हो या डायरेक्ट वही हो, तो बस -1 से मल्टीपल, मल्टीपल -1 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 2402, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? अरे -1 आएगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये क्या माइनस में रिमाइंडर आते हैं? हाँ, नहीं आते हैं, तो फिर गुड गुड, को आप हटाइए किससे? जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो, निगेटिव रिमाइंडर आता है तो निगेटिव होने मत देना, क्योंकि निगेटिव रिमाइंडर नहीं होते, रिमाइंडर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर, बट डिवाइजर से छोटे होंगे। तो ठीक है, छोटे कर दिया हमने, इसको -1 कर दिया, तो आंसर क्या आया भाई? 2401। दिस इज राइट आंसर, किसी को कोई परेशानी तो नहीं, आंसर बिल्कुल सही है, नाइस, दिस इज आंसर। चले आगे, समझ पाए? क्लियर हुआ? चलिए, यही उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप चीजें इजीली समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू हो जाए जल्दी से, दे दें। चलिए, 5 की पावर 35 +7 डिवाइडेड बाय 4। बहुत अच्छे, चलिए फटाफट बताइए भाई, टाइम वेस्ट नहीं करिए, आंसर क्या होगा रिमाइंडर का? आंसर बताइए, व्हाट इज द आंसर फॉर रिमाइंडर? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। चलिए, काफी लोगों ने जवाब दे दिया, क्या आएगा? 0। बहुत बढ़िया, नाइस, वेल डन, गुड, जवाब आ चुका है। इन्होंने कहा यहाँ पे +1 आएगा, आएगा? हाँ जी, आप बताओ, पक्का क्लियर है? चलिए 1 आएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि +1 है, +1 से कोई परेशानी की बात आती नहीं है, तो +7 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 4, 8/4 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर 0 है। आंसर लिख लीजिए, 0, रिमाइंडर इज 0। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स इजीली आप उड़ा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पक्का आगे बढ़े। चलिए, उम्मीद करते हैं कंसेप्ट समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक दो बार आप रिवाइज जरूर कर लेना, कुछ है, कोई मुश्किल काम नहीं होगा, राइट? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा फैक्टोरियल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आता, फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 99। तो यहाँ सारे फैक्टोरियल जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, कहता है इनको हम डिवाइड करें 8 से, किससे? बहुत अच्छे, कह रहा क्वेश्चन, अगर इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? बहुत सारे बच्चों को फैक्टोरियल का आइडिया नहीं है ना,
ठीक है कोई नहीं, फैक्टोरियल का मतलब क्या है पहले मैं समझाता हूँ। जैसे फैक्टोरियल वन है, समझिए बात को, फैक्टोरियल वन का ये फैक्टोरियल का नोटेशन राइट। हाँ तो इसका मतलब ये वन है, फैक्टोरियल टू समझिएगा, फैक्टोरियल टू का मतलब है टू से वन तक का मल्टीप्लीकेशन, फैक्टोरियल थ्री का मतलब हाँ आप तो बता देंगे बिल्कुल, थ्री इंटू टू इंटू वन, बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल फोर बताइए क्या है, फोर से लेकर वन तक, नाइस बहुत बढ़िया। इसके आगे हम आपको बताने वाले नहीं, क्यों आप समझदार हैं समझ चुके होंगे ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, फैक्टोरियल फोर में ये चीज आपने देखा फोर इंटू टू, अच्छा फैक्टोरियल फोर में क्या है भाई, फोर इंटू टू या एट का मल्टीपल है तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो पक्का। अच्छा तो फैक्टोरियल फाइव में क्या आएगा, इसमें भी जीरो, पता है क्यों, अरे नहीं पता है तो देख लो भाई, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, क्या इसमें भी एट है तो रिमाइंडर जीरो। तो इसका मतलब हमारे लिए फैक्टोरियल फाइव से लेकर 99 फैक्टोरियल तक का कोई मतलब है नहीं, इनके रिमाइंडर जीरो आएंगे। फैक्टोरियल वन ये तो वन है, फैक्टोरियल टू ये तो टू है, फैक्टोरियल थ्री ये तो सिक्स है, तो ये कितना आया, ये तो कट जाएगा रिमाइंडर, इसका जीरो आ गया तो बच कितना गया वन, रिमाइंडर इज वन। तो लिखिए आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन राइट, फैक्टोरियल को देखकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पॉइंट भी क्लियर पक्का नाइस। चलिए तो आंसर इज वन, सभी को समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना भाई, क्लियर हो रहा है, रिमाइंडर थ्योरम पक्का क्लियर हो चुका होगा, कुछ भी नहीं करना है, रिमाइंडर के साथ खेलना है। तो चलिए एक थोड़ा मजेदार क्वेश्चन इसी रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर आपको देता हूँ राइट। वो मजेदार क्वेश्चन क्या है नोट करिए फटाफट, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है, इसका जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखिए, फाइंड लास्ट टू डिजिट, फाइंड लास्ट टू डिजिट ऑफ किसका 3598 इंटू 542397 इंटू 543913। कहता है फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर के लास्ट के दो डिजिट क्या आएंगे, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट का आखिरी का दो डिजिट क्या है। काफी दमदार क्वेश्चन है, धज्जियां उड़ा देता है, सबको पसीने छुटा देता है, बट आपके लिए मैं एक शॉर्टकट लेके आया हूं। अभी हमने पढ़ाया रिमाइंडर थ्योरम, चलिए रिमाइंडर थ्योरम, तो लास्ट टू डिजिट का एक फंडा आप नोट कर लो, लास्ट टू डिजिट नंबर का एक कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए लास्ट टू डिजिट का मतलब लिख लीजिए, उठा लीजिए पेन कॉपी और लिख डालिए, ये आपके लिए ही पढ़ा रहा हूँ राइट, कि आपको हर एक चीज समझ में आए और आप हर क्वेश्चन को आसानी से निकाल पाए। तो लास्ट टू डिजिट का कॉन्सेप्ट, लास्ट वन डिजिट हमने पढ़ा, यूनिट डिजिट याद आ रहा है पक्का। तो लास्ट टू डिजिट का फंडा लिखिए, इफ नंबर डिवाइडेड बाय 100, लिखिए फटाफट लिखिए, इफ नंबर डिवाइडेड बाय 100, बहुत बढ़िया, इफ नंबर डिवाइडेड बाय 100 रिमाइंडर इज लास्ट टू डिजिट नंबर, फटाफट लिखिए रिमाइंडर इज लास्ट टू डिजिट नंबर, रिमाइंडर इज लास्ट टू डिजिट, रिमाइंडर इज लास्ट टू डिजिट, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा भाई, अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना बोल भाई, हाँ समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो रिमाइंडर थ्योरम लगाइए, 100 से डिवाइड करेंगे राइट, तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो, लेकिन आप लास्ट के दो डिजिट ही यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने ला रहा हूँ राइट। जरा ध्यान से देखिए, 98 लास्ट के दो डिजिट उठा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, 97 और बताइए 13, बहुत बढ़िया, इनको आप डिवाइड कर लीजिए किससे, किससे 100 से, क्योंकि 100 से हम डिवाइड जब भी करते हैं तो आखिरी दो डिजिट ही रिमाइंडर बचते हैं। तो अगर 3598 को आपने 100 से डिवाइड किया, आप करके देख सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इज 98, बहुत सही, बट 98 इंटू 97 इंटू 13 क्या ये रिमाइंडर हो सकते, नहीं अभी आपने पढ़ा
ऐसे नंबर्स तो बहुत बड़े आएंगे तो यहाँ रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप रिमाइंडर थ्योरम क्यों पढ़े हो, इसीलिए तो पढ़ाया गया। चलिए शुरू कर दीजिए उड़ाना इसको। यहाँ पे क्या आएगा भाई, माइनस टू, यहाँ बोलिए माइनस थ्री, और इसको क्या रहने दीजिए। तो क्या रिजल्ट आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, पक्का? अरे बोलिए हाँ या ना यार, पक्का या? बहुत अच्छे, टू इंटू थ्री सिक्स, अब तेरह इंटू छः बताओ, तेरह इंटू छः, अरे हद हो गई यार, आंसर क्या है, 78, बहुत अच्छे, 78 बाई 100, ये डिवाइड नहीं होगा, तो 78 बाई 100 में रिमाइंडर क्या होगा, फटाफट बताओ भाई, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज लास्ट टू डिजिट नंबर, ये छोटा है तो यही आंसर है, तो सॉल्यूशन आ गया, कितना इजी है लगा आपको, आंसर लिख लीजिए कितना है, 78। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए, फटाफट लिखिए जवाब, बताइए इसका जवाब, कमेंट करके बताइए जल्दी से। 5372 × 8399 × 5297, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या आएगा, लास्ट टू डिजिट, कमेंट करके बताइए अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करिए जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। पहला फंडा लिखिए, फटाफट स्पीड बढ़ाइए, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, क्या दिखा, a की पावर भी उतना जितना कि b, बीच में माइनस का साइन, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर, पक्का? चलिए तो इसमें एक चीज देखिए, इफ n इज इवन नंबर, n इज एनी नंबर, n इज एनी नंबर, n कुछ भी हो, देन a माइनस b इज ए फैक्टर, इसका एक फैक्टर तो हमेशा नजर आएगा, a माइनस बी इज अ फैक्टर, मतलब a माइनस बी से ये डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट क्लियर कि नहीं बताइए, पक्का? अरे हाँ या ना बोल भाई। चलिए दूसरा पॉइंट, अभी सब पे क्वेश्चंस करा दूंगा, परेशान नहीं होना, राइट, a की पावर n माइनस b की पावर n, इसमें लिखिए इफ n इज इवन नंबर, n इज एन इवन नंबर, अगर n इवन नंबर हो तो क्या कहानी होगी, देन a प्लस बी इज ए फैक्टर, a प्लस बी इज अ फैक्टर, a और b का जो समेशन ऑफ फैक्टर होगा, पॉइंट क्लियर, समझ पा रहे हैं बात को, दोनों पॉइंट क्लियर हैं। चले आगे, फिर अगला फंडा देखिए, फंडे बहुत इंपॉर्टेंट है, a की पावर n प्लस b की पावर n, नोट करते जाइए, अगर इसमें मैं बात करूं तो लिखिए a प्लस बी इज ए फैक्टर, a प्लस बी इज अ फैक्टर इफ n इज ऑड नंबर, n इज ऑड नंबर, कंफर्म है भाई, पक्का? अरे समझ पा रहे कि नहीं, हाँ या ना बोलो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां से क्लियरली ये पता चल गया कि प्लस बी द फैक्टर इफ एन इज हॉट नंबर, ओके। तो ये तीन बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एसएससी के पेपर में पूछा ही जाता है, तो इसका एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर, फटाफट बताइए, चलिए शुरू करिए। तो 7 की पावर 24 - 1 की पावर -1 लिखिए, इज डिविजिबल बाई, is divisible by, this is divisible by 3, yes or no, जल्दी बताइए। अरे हाँ जी, अरे बताइए ना भाई, divisible है या नहीं, clear? बहुत लोग का जवाब हाँ में आ रहा, बहुत बढ़िया। इसको हम क्या लिखें भाई, 7 की पावर 24 और इसको 1 की पावर 24 लिखने में परेशानी, तो 7 - 1 एक फैक्टर है, 7 - 1 भी है और 7 + 1, मतलब ये नंबर 6 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है, 4 से भी, अगर चाहे तो 4 से पूछें तो भी आप इजीली बता सकते हैं, तो 4 से डिविजिबल है 3, जवाब क्या है, डिविजिबल बाय 3, यस, क्या है, यस, समझ पाए, कोई डाउट तो नहीं, बातें समझ में आई, पक्का? आगे बढ़ जाए फिर, क्लियर हुआ।
चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है, 7 की पावर 50 माइनस 1 डिविजिबल बाई विच नंबर, विच नंबर, दिस इज डिविजिबल बाई विच नंबर। तो पहला ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन नंबर 1 लिखिए जल्दी से, 50। दूसरा है 49, तीसरा है 8, चौथा है 9। जल्दी बताइए, उड़ाइए उड़ाइए फटाफट, उम्मीद करते हैं इसका जवाब पूरी क्लास बताएगी फटाफट। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, जवाब बताइए फटाफट स्पीड में, जल्दी से बता, जवाब चाहिए हमें फटाफट, आंसर बताइए। 7 की पावर 50 माइनस 1, हाँ काफी लोगों ने जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया। 7 की पावर 50 माइनस 1 की पावर 50, 7 माइनस 1 6, 7 प्लस 1 8, कंफर्म हो गया। 50 से तो डिवाइड नहीं कर दिया, 50 से तो डिवाइड नहीं कर दिया, पक्का? बहुत सही, 50 से मत कर देना, आपको बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में तो आप गलतियां कर नहीं सकते। चले आगे, चले एक क्वेश्चन और लगाते हैं बोर्ड पर फटाफट। बताइए, 3 की पावर 12 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, इज नॉट डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई लिखिए, इज डिविजिबल बाई, चलिए फटाफट लिखिए, इज डिविजिबल बाई, ऑप्शन लिखिए जल्दी से लिखिए, ऑप्शन लिखिए 11, बहुत सही 13, तीसरा ऑप्शन लिखिए ना 17, चौथा ऑप्शन 19। चलिए स्पीड में जवाब बताइए, फिर उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, टाइम बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। आप जी बताइए, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं लेकिन गलत आ रहे हैं भाई, स्पीड में बताइए। हाँ जी, चमकना चाहिए, फंडे क्लियर कर दिया है मैंने, तो उड़ाइए क्वेश्चन को। हाँ जी, क्या आ रहा है भाई जवाब? चलिए जल्द चालू हो जाइए, मजाक नहीं, फटाफट करिए थोड़ा समझ बूझ के, राइट? 3 की पावर 12, बिल्कुल बेसिक से देखिए, 3 की पावर 12 माइनस 1 के फैक्टर, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका एक फैक्टर 4 भी और एक फैक्टर 2 भी है, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा भाई, ऐसा कर सकता हूँ क्या? कोई किसी को परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी वाली बात नहीं आ रही ना? 9, बहुत अच्छे, 9 माइनस 1 8, 9 प्लस 1 10, बट ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो जब तक ऐसा ना मिले थोड़ा सा और कदम बढ़ा दो, एक कदम और आगे बढ़ाया तो क्या कोई बात बनी? आपने कहा, देख लेते हैं बनती है कि नहीं, तो इसको भी ऐसे लिखने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, राइट? अच्छा, 27 माइनस 1, 26 आया और एक 28 आया। अच्छा, ये 26 पकड़ लो, आ गया, आया, दिस इज मल्टीपल ऑफ 13, मतलब ये 13 इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर 26 है। तो कौन सा जवाब सही करें बताइए फटाफट, कौन सा जवाब सही करें? ये 26 है ना, तो 26 को मैं 13 × 2 लिख सकता हूँ, 13 का मल्टीपल, ऑप्शन में है क्या दे रहे हैं? बिल्कुल सही, समझ पाए पक्का? तो रिमाइंडर थ्योरम का ये छोटा सा कंसेप्ट जो आगे चलकर बहुत ही यूज होगा, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एसएससी में आए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगातार सॉल्व करते रहिए, कंसेप्ट को पढ़िए और पेपर सॉल्व करिए, आई थिंक प्रॉब्लम तो आनी नहीं आपको, ठीक है? बट आती है तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट एक बार और रिवाइज करिए, एक बार और वीडियो देखिए, बिल्कुल हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी कि हम क्वेश्चन ना कर पाए। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को देखिए लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? आप इसे शेयर करिए, ठीक है? तो चलिए आज की कहानी यहीं हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो इसी तरह हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? नई नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके टॉपिक पर पकड़ बना के बैठ जाए, राइट? तो टॉपिक पे पकड़ बनाने के लिए आपको वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आप दीजिए, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है, मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो आपकी मिलेंगी, तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देखिए थोड़ा सा फंडा तो हमें पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है? फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डालिए और हमसे पूछिए, और इसका जो असाइनमेंट है वो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, नंबर सिस्टम 3 में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिया जाएगा, तो असाइनमेंट को भी आप सॉल्व करिए और क्वेश्चन निकालिए, ठीक है? तो इसी उम्मीद और उत्साह के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं ब्रेक के।